बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का आज सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। बता दें कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है। आज नीतीश कुमार ने बरौनी को ये बड़ा तोहफा दिया है, जहां लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में उद्योग धंधे विस्तार को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौनी को बड़ा तोहफा दिया है। आज यानी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 550 करोड़ की लागत में बने बरौनी प्रखंड मुख्यालय के निकट पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया है। इस प्लांट के खुलने से रोजगार की सृजन होने की बात कही गई है और साथ ही बेगूसराय बरौनी के इलाके की सूरत में भी बदलाव आएगा। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी नजर आए। बता दें कि नीतीश कुमार के आने को लेकर के यहां तमाम तरीके की तैयारियां की गई थी, हेलीपैड भी बनाया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेप्सी कंपनी ने यहां लगभग 55 एकड़ की जमीन में लगभग 550 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया है। इस प्लांट के खुलने से बरौनी और बेगूसराय में औद्योगिक क्षेत्र का नया आयाम मिलेगा, सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का मौका भी बनेगा। बता दें कि इस बारे में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा था कि अप्रैल 2021 में ही बरौनी में पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट के लिए जमीन दे दी गई थी और पिछले महीने ही और प्लांट ने उत्पादन भी शुरू कर दिया। साथ ही शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ बड़े बड़े निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं। अच्छा काम इन्होंने किया है, बहुत जल्दी इसका काम शुरू कर दिया है। आज तो उसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको खास तौर से बधाई देने आए और बहुत अच्छा काम हुआ। जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो पिछले वर्ष हुआ है फरवरी में, और उसके बाद जो काम शुरू किया तो इतने कम समय में इन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य चार तरह का शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बारे में डिटेल तो ये लोग आपको बताएंगे, लेकिन हमने एक एक चीज़ को देख लिया है, बहुत अच्छा है। और न सिर्फ यहाँ यूज करेंगे बल्कि इतना बढ़िया ये बना रहे हैं कि लोग बिहार के बाहर भी इसको यूज करेंगे, बिल्कुल सर। सब जगह जाएगा तो ये बड़ी चीज़ है। और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार स्थापित हुआ है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। और माननीय मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि इसी काम में लगातार लगे हुए हैं और इसी तरह से और ज़्यादा भी जो काम हो सकता है उसमें और लगे हुए हैं और भी सब होगा तो एकदम बिल्कुल। हम लोग उद्योग वाले में तो आप जानते हैं शुरू से लगे हुए थे, लेकिन जो हम लोग नियम और कानून चाहते थे उस समय, जो 7, 8, 9 की बात है, उस समय के केंद्र सरकार ने नहीं दिया तो धीरे धीरे बेकार हुआ। हम लोग तो कहते ही रहे, हर तरह का प्रमोशन हम लोग देना चाहते थे, लेकिन बाद में जब ये हो गया, उन लोगों ने परमिशन दे ही दिया और तब जब कि शुरू हुआ है, तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से अब शुरुआत हो गया है। अब उसी में जो ये बता देंगे आपको कितना 17 हो गया है जी, 17 इथेनॉल का, इथेनॉल का, इथेनॉल का भी। अब आप सोच न लीजिए कि इथेनॉल वाला हम लोग कब चाहते थे, आप लोगों को तो मालूम ना भाई, 7-8 उसी समय से हम लोग चाह रहे थे और कैसा बड़ा प्रस्ताव आया था, 20,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा का प्रस्ताव आया था। तो उस समय लग रहा था कि कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन उस समय की सरकार ने नहीं माना, दो अलग बात है, लेकिन अभी की सरकार ने तो इसको पूरे देश के लिए शुरू किया एथेनॉल, तो हम लोगों के अभी एथेनॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अभी बता देंगे आपको मंत्री जी, 17 जगह का तो स्वीकृति हो गया ना, 17 का हुआ है, कितना का हो गया, 17 का हो गया स्वीकृति, अभी हम लोग और ज़्यादा में लगे हुए तो सब होगा। तो उद्योग देखिए बहुत बढ़ेगा हम लोगों का, और सबसे बड़ी बात है कि आज कितना बढ़िया बनाया ईस्टर्न इंडिया का। अच्छा होगा कि जरा एक बात हम आपसे आग्रह करेंगे कि सब जो जर्नलिस्ट है ना जी, इन जर्नलिस्ट को भी एक व्यक्ति से, एक दो लोगों से दिखवा दीजिए, जरूर दिखवाएंगे, जरूर दिखवा दीजिए कि क्या क्या चीज आप लोग जो जो देखना चाहेंगे, आप लोग भी जरा फोटोग्राफ लीजिए और एक एक चीज को देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा और इसकी जानकारी भी और बेहतर ढंग से लोगों को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इसलिए आप लोग भी आए हुए हैं सब, आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी थी और बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी ने काम किया,
जो चीनी मिल की जमीन थी जो खाली थी वर्षों से, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की और ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बना है। जयपुरिया साहब का और डॉक्टर त्रहान साहब जो मशहूर डॉक्टर हैं आज इस सरजमी पर आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्लांट को देखकर इतनी खुशी जाहिर की है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि बिहार में इतना अच्छा प्लांट लग सकता है। जयपुरिया साहब ने कमिटमेंट किया है कि वो चीनी मिल के लिए भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ का जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा लीची होती है तो लीची का भी प्रोसेसिंग होगा, आम को अभी ये प्रोसेसिंग करेंगे और अनानास का जो पाइनएप्पल है उसका भी प्रोसेसिंग जो किशनगंज इलाके में होता है वहाँ से लाके यहाँ पे करेंगे। यहाँ रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ जो रोज़गार है आसपास के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा और इनके प्लांट में बहुत से लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, उनको हमने अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि अगर वो अपने राज्य में आकर अगर वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इसमें कई एक्सपर्ट लगेंगे, वो भी इस प्लांट में अगर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो थोड़ी उनको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ज़्यादातर स्थानीय लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। उद्योग और रोज़गार का जो वादा नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले किया था उस पर बढ़ता कदम है। लोग कहते थे कि कहाँ उद्योग लग रहा है, तो हमारे अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे देखने के लिए हम उनका भी पास बना के अंदर उनको घुमाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको वो देखेंगे कि कितना बढ़िया उद्योग लग रहा है। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने व्यस्तम समय में से निकाल कर ये बेगूसराय की सरजमी पर आए हैं और रवि जयपुरिया साहब जिनके 40 इस तरह के प्लांट हैं वो आए हैं, डॉक्टर त्रहान साहब जो देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर खास तौर पर आए हैं जिनका मेदांता।